जाति कहिले जगन्नाथ संस्कृति जहाँकि विश्व विदित जहाँ मंदिर हेउची श्रीमंदिर आसन हेउची रत्न सिंहासन दांड हेउची बड़दंड जहाँ बाली हेउची शरधा बाली जहाँ प्रसाद हेउची महाप्रसाद। बाना अटी पतित पावन चक्र अटई नीलचक्र सही विशाल संस्कृति मध्यरे प्रभुक रथयात्रा गोटे स्वतंत्र स्थान ग्रहण करिछि। आषाढ़ मास आसिबा मात्र के जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभुक समग्र विश्व चलचंचल हो उठिथाए। सही समय एपरी लगिथाए जेपरी कालिया रजा रथारूढ़ हो विश्ववासी आखिल हो पोछिदेबा को बाहरी पड़िछि। रथयात्रा गोटे एपरी पर्व जहाँकि अनेक पर्वर सम्मिलन अटे। एक संगे अनेक गुड़े पर्व को धरी आसी थाए यह रथयात्रा। श्रीपंचमी दिन रथकाठ रथ खड़ा को जाए। यह दिन जगन्नाथ संस्कृति रे गोटे पवित्र दिन अटे। श्रीपंचमी दिन विद्यादात्री माता सरस्वती को विधिवत भाव में पूजा कराए। यहाँ अक्षय तृतीया दिन रथ निर्माण कार्य आरंभ होता। एही दिनटीर मध्य गोटे विशेषत्व रही। एही दिन अखि मुठी हल लंगल धरी कृषक चाष कार्य पाई अंटा भिड़ी थाए। तेबे देवस्नान पूर्णिमा जहाँ को अन्य नाम वैशाख पूर्णिमा मध्य कुहा जाए थाए। एही दिन वैशाख मासर शेष दिन। एही दिन प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा और सुदर्शन सहित स्नान मंडप को आविर्भाव करिथांती। सुनाकुअरु 108 कलसी जलरे महाप्रभु को स्नान करा जाय थाए। एही महा स्नान परे प्रभु ज्वरर कोपरे कष्ट पाइथांती। समय रे श्रीमंदिर रे पटी दियरत्न सिंहासन दे पूजा पाइथांती और श्रीमंदिर रे अबड़ा प्रस्तुति बंद रहिथाए। महाप्रभु को एही समय रे ज्वर उपशम पई फुलरी फुलरे मालिश करा जाय थाए। राजा वैद्यंक द्वारा प्रस्तुत दशमूल औषध भी दिया जाए जहाँ तांक शरीर को आराम दे तांकु ज्वर कोपरु रक्षा करिथाए। एहा परे दैतापति माने श्री नर को जाई एही संवाद गजपति को अवगत कराइथांती। एही समय रे प्रभुंक श्रीअंगरु बाहरी थिबा सामग्री को राजनर को विजे करा जाय थाए। यहाँ आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि श्री गुंडीचा जात्रा बा रथयात्रा अनुष्ठित हुए। यही दिन तीन ठाकुर सुदर्शन महाप्रभु सहित माउसी गुंडीचा देवी मंदिर को यात्रा करिथांती। समय भक्त और भगवान अपूर्व मिलन होता है। विश्वर कोण अनुकोणु भक्त मैंने एकाठी हो प्रभु रथ को टाणी माउसी घर को नहीं था। मौसी घरे पहुंचिबा परे प्रभु का दिव्य दर्शन होइथाय जहाँ को कुहाजाए आड़प मंडप रे दर्शन। एही समय रे सभींकी प्रभु दर्शन दियंती। एही समय रे मौसी घरे प्रभुंकर खूब अतिथि सत्कार करा जायथाय। यहाँ परे बाहुड़ा दशमी दिन पुनर्बार प्रभु श्रीमंदिर को भक्त मानक गहण रे रथ उपरे विजे करि फेरि आसंती। एही दिन को बाहुड़ा यात्रा कुहा जायथाय। बाहुड़ा दशमी परदिन एकादशी रे प्रभुंकर सुनावेश होइथाय। एही दिन तीन ठाकुर विशेष भाव सुनारे सुसज्जित होई रथारूढ़ होई भक्त मानक दर्शन दियंती। एही दिन को संध्या दर्शन व सुनावेश कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।